तो बहनों भाइयों और मित्रों दोस्तों कैसे हो आप आज हम बात करने वाले हैं कैप्सूल के बारे में गाइस काफी लोगों को तो पता नहीं होता इसे कब कैसे और यूज नहीं करना चाहिए दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसे हमें किन किन प्रॉब्लमों में हमें इसे यूज कर सकते हैं नंबर वन दोस्तों अगर आपके पेट में गैस बनती है या गैस बनकर सर में टकरा जाती है जिसके कारण आपके सर में दर्द हो जाता है तो दोस्तों आप इसे यूज़ कर सकते हैं नंबर दो या पेट में जलन हो रही हो तो आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं नंबर थ्री आपके बदजमी हो रही है यानी कि आपका पेट कई दिनों से साफ नहीं हुआ है तो आप इसको भी आसानी से यूज कर सकते हो नंबर फोर आपको खट्टी डकार आती है तो आप इसे यूज कर सकते हो नंबर फाइव सीने में जलन होने पर भी आप इसको ले सकते हो नंबर सिक्स पेट में छाले होने पर आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ज़्यादातर डॉक्टर हमें ये कब देते हैं ज़्यादातर डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं या अन्य के साथ दवाओं के जैसे साइड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए भी डॉक्टर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर दर्द में उपयोग की जाने वाली दवाएं जैसे कि एसिक्लोफेनिक डाइक्लोफेनेक पैराशिटामोल ट्रेमाडोल सेरापेप्टाडाइज पैरोक्शिकम मेफेमेनिक, ड्रोटेरविन ऑक्सालजिन, डिस्प्रिन सेराडोन मेफ्टाल, इस्पास अन्य आदि दवाओं के साथ पेट में जलन सीने में जलन या पेट के अल्सर हो सकते हैं इसलिए इन साइड इफेक्ट को रोकने के लिए या कम करने के लिए आप इन दवाओं के साथ आप इसको ले सकते हो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसे हमें कब लेना चाहिए आमतौर पर डॉक्टर इसे दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं इसे हमें सुबह खाली पेट ब्रेकफास्ट से एक घंटे पहले रिक्वायरमेंट होता है लेकिन उम्र, बीमारी और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस मेडिसिन के डोज इसे अलग भी हो सकते हैं इसलिए आपको ये लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और आपके डॉक्टर के बताए गए डोज में ही आपको इसे लेनी चाहिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसको किन किन व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए सावधान रहिएगा दोस्तों अगर आप को किडनी की बीमारी के पीड़ित है तो आपको इसका इस्तेमाल सावधानी के साथ करना चाहिए और दोस्तों लीवर की बीमारी में भी हमें इसे सावधानी से यूज करना चाहिए और दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं ज़्यादातर इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं लेकिन कुछ लोगों में साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि पेट में दर्द सर दर्द पेट में गैस निकलना मुंह से सूखापन शरीर की मांसपेशियों या हड्डियों में दर्द होना चक्कर या दस्त की समस्या भी हो सकती है दोस्तों ये साइड इफेक्ट सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं केवल दो परसेंट लोगों में ही होते हैं वो भी उन लोगों में जो इस मेडिसिन को कई साल से यूज़ कर रहे हैं अगर आप भी दो परसेंट व्यक्तियों में से एक है और आपको इसे साइड इफेक्ट हो गया है तो दोस्तों घबराए नहीं तुरंत इस मेडिसिन को खाना बंद करते और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे तो दोस्तों ये थी पेनसी एच कैप्सूल की शाही इन्फॉर्मेशन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पेनसी एच कैप्सूल के शाही इन्फॉमेशन के बारे में पता चल सके थैंक यू धन्यवाद